TV Big F with Gautam Gulati. ईका कलाकारी चल रही है बाहर। अरे पवन भैया, सुना नहीं क्या? अर्जुन भैया सीमेंट बिजनेस के लिए एड बना रहे हैं। फिरंगन को बुलाया है प्लेन से, और फिरंगन को देखा नहीं कि आदमियों का दिमाग तो रुक ही जाता है। इलो प्रसाद। अरे फिरंगन क्या कर लेगी सीमेंट के लिए? अरे सीमेंट की एड के लिए तो बजरंग बली जी को होना चाहिए। बल और शक्ति के प्रतीक बजरंग बली। ये अर्जुन भैया के बिजनेस का सत्यानाश करेगी। जब से आई हूँ उनको तो और कुछ दिख ही नहीं रहा। सारी बातें सुन रहे हैं हम तुम्हारी वहां खड़े खड़े। बहुत मस्ती सूझ रही है। हमारे काम का मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ, स्कूल वूल सब छुड़वा देंगे हम तुम्हारा, समझी? जाओ अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो, जाकर जाओ। भैया जी, भैया जी प्रणाम। लीजिए प्रसाद। सुनो पवन, प्रोडक्ट चाहे जो भी हो, हल्की फुल्की अश्लीलता होगी ना तो प्रोडक्ट बिकता है। अब देखना ये मैडम की वजह से कैसे लोग आकर्षित होंगे हमारे सीमेंट के लिए। देखना बाहर देख रहे हो सबको, कैसे सुबह से एक टांग पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, देख रहे हो? जी भैया। अरे जाओ फौरन जाकर मैडम का सामान तो उनके कमरे में रख दो। जी भैया। दादा जाओ जाओ फटाफट। What the hell? मॉनिटर कैसे बंद हो? अरे भाई, अरे कौन है ये? ऊंची सीढ़ी है, गड़ी मारो। क्या कर क्या रहे बीच में भैया? पवन, अरे सन्यासी कैसा लगा नजारा है? हाँ भैया जी, लग रही है फिरंगन एकदम हॉट है, हॉट हॉट। इसे देखकर तो तुम्हारे अंदर का ब्रह्मचार्य भ्रष्ट हो रहा होगा। भैया जी वो हम पानी निकाल कर आते हैं टंकी से। हम अरे अरे रुको, हम बात कर रहे हैं। ये देखो, ये है केरल। अभी अभी ये अजय वालिया उसके बेटे के साथ रिश्ता तोड़ के आई है, ब्रेकअप। दिल पर घाव है, बैंडेड लगानी है। अरे तुम ही लगा दो। भैया जी हमें बख्श दीजिए, हम ब्रह्मचारी, हम उसी औरत के साथ सुहागरात मनाएंगे इससे हमारी शादी होगी। तब तक हम पहलवानी करेंगे, श्री गोरखपुर जीतेंगे। इसलिए ये सब गंदी बातों से हम दूर रहेंगे। जब तक हमारे बाबूजी की तरह हम श्री गोरखपुर नहीं बन जाते। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। लगता है तुम पैदा सिर्फ श्री गोरखपुर बनने के लिए हुआ। थैंक यू भैया जी। पवन पवन, अबे क्या सोचे जा रहा है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या तेरी? हनुमान जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कट। तो
ये है पवन, हमारा शुद्ध देसी हवा का झोंका, हनुमान जी का भगत, और लड़की क्या, लड़की का नाम भी सामने आ जाए ना तो 500 की स्पीड पर भागते हैं। और इमेजिन करो कि अगर ऐसे इंसान की जिंदगी में एक सुपर मॉडल, फॉरेन मॉडल आ जाए तो उनका क्या होगा। यू वांट टू हैव अ लुक? वेलकम मैम, ये आपका रूम। आई एम सॉरी मैडम, वो हमें पता नहीं था कि शूटिंग चल रही है। तुमने मेरे सेक्रेटरी को कहीं देखा है? मैडम जी, वो बहुत गुस्से में फोन पर किसी को डांट रही थी, कुछ तो भी बोल रही थी वो। यू कीप माय बैग अप देयर ना, उधर ऊपर रख दो। जी मैम। एसी ऑन है, एसी ऑन कर दो। वो मैडम जी, एसी काम नहीं कर रहा, पर अगर गर्मी बहुत है तो एक उपाय है हमारे पास। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पहलवान लोग बर्फ के सिल्ली पर लेट जाते हैं। बर्फ के सिल्ली क्या मतलब है? बर्फ की सिल्ली आइस, बिग आइस, आइस पलंग, आइस बैंड। आपके लिए आई एम ब्रिंग स्मॉल स्मॉल आइस। जब तक एसी नॉट ओके, आइस आइस कौन कौन, आइस आइस कौन कौन। What is it people say? What's that word? कि इंडियन लोग बहुत डाश होते हैं। सुंदर? सुंदर नहीं, नहीं वो इंडियन लोग बहुत जुग जुग क्या होता है? जादूगर। जुगाद। इंडियन लोग बहुत जुगाद होता है। जुगाद। Get some ice now. जी मैडम। मैडम जी, आइस। मैडम जी, अगर आप थकी हुई हैं तो मालिश, मसाज बॉडी का ऐसे दुखना, ऐसे जब होता है ना, ऑल थका फीलिंग, जस्ट गो एंड गॉन। गोरखपुर आयुर्वेदिक मसाज इज वेरी फेमस। नो वे, किसी मैन को मेरे बॉडी टच नहीं करने दूंगे। सॉरी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता। गर्ल्स फॉर गर्ल्स मसाज, बॉयज फॉर बॉयज मसाज, नो गर्ल्स गर्ल्स बॉयज मसाज। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, मुझे मैसेज नहीं चाहिए। आइस आइस कूल कूल है। जी जी मैडम जी, ओके। Okay.
बे कुश्ती करेगा, श्री गोरखपुर बनेगा। देख बे, तेरे बाप का राज नहीं है इधर। वैसे 20,000 कहां से लाएगा? तेरे बाप ने तो हमें जीते जी जीतने नहीं दिया, और हम भी तुझे कभी जीतने नहीं देंगे। चल निकल यहां से। You can't, no, 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 please. How on earth will I find another assistant? No, my, well, I'm shooting tomorrow, the next day. How? No. God damn it! Madam ji, sab all right? Nothing is all right with Indian men. Mera boyfriend ne mujhe dump kiya. Aur ab mera assistant ka boyfriend ne usko. And now, my assistant has left me. Alone. Ye sab weird men ke beech. Everyone, they just ogle at me. It's disgusting. Arre madam ji, हमने क्या किया है? हम पर काहे गुस्सा रही हैं आप? क्या किया? मुझे ऐसे देखते हैं एंड यू आर आस्किंग हमने क्या किया? नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे संस्कार हमें लड़कियों की इज्जत करना सिखाते। हम भी राम जी बन जाएंगे अगर लड़कियां सीता मैया जैसी हो। और आपका समझेगी हमारा कल्चर। हमने तो सुना है आप आपके वहां शादी के पहले ही। You're so adorable. तुम थोड़ा अलग हो, मेरे असिस्टेंट बन जाओ प्लीज। हम नहीं मैडम जी, हमसे ना हो पाएगा। दो दिन का शूटिंग है। I'll pay you. Don't worry. कितना? 20,000? श्री गोरखपुर बनने के फॉर्म भरने की फीस है 20,000? Done. नमस्ते। ठीक है, लेकिन काम है ऐसे नहीं शर्माना, सब करना पड़ेगा। Get my lingerie. Get my clothes ready. Mere saath 24/7. It's okay? Huh? Thank you. Namaste. Namaste. Bajrang Bali ji, हम दुविधा में फंस गए थे, हमें माफ कर दीजिए। अरे हमने मैडम जी को हाँ इसलिए कहा ताकि हम हमारे बाबूजी की इच्छा पूरी कर सके। हम सच कह रहे हैं, हमारे मन में कोई खोट नहीं। अरे हमारी बात सुनिए ना, जब हमारी बात सुनते हैं ना बड़ी खुशी होती है। और आपको तो पता ही है हम आपके कितने बड़े भक्त हैं। बजरंग बली जी, हम पहले भी ब्रह्मचारी थे, आज भी ब्रह्मचारी हैं और आगे भी ब्रह्मचारी ही रहे चाहे कुछ भी हो जाए। पवन! अरे अरे दिया कैसे पूछ गया? अरे आप नाराज हो गए काम से? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। पवन! हाँ हाँ मैडम जी, आ गए, बस आ रहे हैं। मैडम जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप लड़की होकर भी आत्मनिर्भर हैं। क्या आत्मनिर्भर क्या मतलब है? नहीं मैडम जी, वो नहीं, हमारा मतलब है आप खुद कमाती हैं, खुद खाती है पीती है,
क्या बोलते हैं? You mean independent? हाँ. और कौन कमाएगा मेरी? मुझे parents पे what's the word? बोझ नहीं बनना है. मैडम जी एक बात बोले, आप इंडियन कपड़े क्यों नहीं पहनती? आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, आप बहुत खूबसूरत लगेंगे. हाय. हाय. व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, स्कूल पिकनिक जा रही है और अर्जुन भैया जाने नहीं दे रहे. क्यों? क्योंकि हम लड़की हैं, इस घर की इज्जत. उनको लगता है अगर हम ऐसे ही बाहर घूमने चले गए तो लोग हमारे बारे में बातें करेंगे. व्हाट नॉनसेंस. स्कूल पिकनिक तो इम्पोर्टेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है ना? उसे बात करो. नो पॉइंट, भैया नहीं समझेंगे. तो समझाने से समझेगा. बात करो. इट्स इम्पोर्टेंट यू नो, वुमेन टॉक एंड रेज देयर वॉइस. तुम्हारा देश में इतना स्ट्रॉन्ग वुमेन है, यू वर्शिप देम इन टेम्पल्स है ना? तो उनसे कुछ हिम्मत लो, बात करो अपनी बाई से. दू आत्महत्या क्या? अरे नहीं नहीं, आत्मनिर्भर. आत्महत्या माने सुइसाइड. ओह हाँ हाँ, आत्मनिर्भर. आप भी जाओ. हाँ जा रहा हूँ. मैडम जी ये भी पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप पे. ये बेडशीट मुझे नहीं चाहिए. कट 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 कट. अरे कौन है बीच में यार? मैडम जी प्लीज. अरे कौन है यार ये आदमी? हटाओ इसको यहाँ से, हाँ निकालो. अरे रोल साउंड कैमरा. An action. उसका ब्लाउज खुलने वाला है, जाके उसकी डोरी वापस से टाइट से बांध दीजिए. नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. अरे होने दो, पैसा दिया है, तमाशा देखेंगे, देखने दो, चलने दो. ये कौन आया बीच में यहां पर? अरे तुम फिर से, इसको हटाओ यहां से, मेरे सेट में दिखता नहीं चाहिए वापस. Shut up! पवन. मैडम जी हिंदुस्तानी होने के नाते वो हमारा फर्ज था. बॉस के बारे में इतने बात करते हो, जरूर तुम्हारी दादी भी ऐसे ही होंगे. मैडम जी वो हमारे माँ बाबू जी एक एक्सीडेंट में. I'm so sorry. पर वो अर्जुन भैया है ना, बचपन से उन्होंने ही हमें पाला है. अर्जुन भैया सेम सेम लेवल माँ बाबू जी, सेम सेम. तुम बहुत अच्छे हो भावन. मैडम जी आप भी. आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं इन कपड़ों में. फिर ऐसे छोटे छोटे कपड़े काहे पहनती हैं? ऐसे मर्दों के बीच में जाके ऐसे अजीब अजीब से पोज काहे करती हैं? तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग में भी कपड़ा उतार के पोज करते हैं? तुम में और हम में फर्क क्या है बोलो? तुम ऐसे डरते क्यों हो मुझसे? जो
मैडम जी प्लीज, तुम्हें शॉक नहीं लगेगा मैडम जी। सी कुछ नहीं हुआ। कैरल जी पवन जी के साथ अपना हाल बांट रही है। बढ़िया है कैरल जी। कल हमने हमारे रिजॉर्ट में एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी रखी है आपके सम्मान में। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे वहां। आपका ये एड्स और ये मॉडलिंग का बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वहां पर, जरूर आइएगा। भावना आएगा तो मैं भी आऊंगी, इसके साथ मुझे सेफ लगते हैं। ये बात क्यों नहीं, आ जाना कैरल जी को छोड़ने के लिए। छोड़कर फटाफट निकल जाना वहां से। अच्छा चलते हैं। ये अर्जुन भैया जी की प्लानिंग में कोई खोट लग रही है हमें। How do I look? No. Fine. Okay. And now? भैया जी बस निकल रहे हैं। वो मैडम जी तैयार हो रही है तो। हाँ भैया जी बस पहुंच गए। ठीक है जी। You know what? We're going like this. मैं अभी चेंज नहीं करूंगी। तुम टैक्सी बुलाओ। जी मैडम जी। Hello? Arjun, yeah, oh, I'm so sorry. I wanted to look my best. Ready hone mein time lagi. Bas, abhi nikalta hai. Madam ji, wo taxi to traffic jam mein phas gayi hai. You know, Pavan, I have a feeling ki tum nahi chahte main wahan jaun. Pehle dress, abhi taxi? Ye sab kya hai? Madam ji, ये सब आपकी सेफ्टी की बात है, ये हमारा फर्ज है, हमें करना पड़ेगा। क्या फर्ज है कि मुझे काम नहीं मिला? नहीं मैडम जी, बस आप सेफ रहे, ये हमारा फर्ज है। क्या डेंजर है जो सेफ सेफ बोल रही हो? बोलो, मुझे लगता है कि तुम मेरा काम नहीं पसंद। मैडम जी मैडम, कैरल इतना टाइम लग। भैया जी अभी अर्जुन भैया का सोचेंगे। अरे पवन। हाँ भैया जी। क्या कर रहे हैं भैया जी? एंट्री चेक कर रहे हैं। अरे जो कुछ भी कर रहे हो छोड़ो, हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ भैया जी। वो कैरल जी के लिए मसाज वाली लड़की ढूंढ रहे थे। हाँ। नहीं मिली। अच्छा जाओ, तुम जाकर उसका मसाज कर दो। जाओ। हम
भैया जी कहाँ मजाक कर रहे हैं आप? हम अरे तुम क्या हमारी भाभी हो जो हम तुमसे मजाक करेंगे? अरे पहले कितना गुस्सा है वो इस बात को लेकर कि तुम उसे फार्म हाउस में नहीं लेकर आए। और अभी देखो, अभी अगर मसाज नहीं मिली उसे तो वो हमारी शूटिंग बीच में छोड़ के चली जाएगी और हम डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हो? और भैया जी आप तो जानते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम कैसे? अरे पवन छोड़ो ये सब, अगर तुमने मसाज नहीं की ये गेस्ट हाउस नहीं रहेगा, ताला लग जाएगा, हम दोनों फुटपाथ पर आ जाएंगे, समझे तुम? अपने अपने भैया जी के लिए इतना नहीं कर सकते तुम? भैया जी आपके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन औरत को हम कैसे? अरे अरे श्री गोरखपुर जाओ अंदर, दो मिनट जाकर तो ये स्ट्रेस में चल रही है, दो मिनट जाकर दबाओगे, मसाज दोगे, सो जाएगी, आ जाओ अपना काम करके बाहर। अरे हाथ जोड़ते चाहे तो पांव पड़े तुम्हारे। भैया जी ऐसा मत कीजिए, ठीक है हम जाते हैं। Come in. Honey, आज मुझको आयुर्वेदिक मैसेज देना, ओके? टॉवल यूज कर रही हो? ऐसे पवन की तरह मत करो, हैंड से मसाज करो। पवन, he's this hotel guy. मुझसे हमेशा दूर भागता है। वो बहुत इनोसेंट है, मुझे टच नहीं करते हैं। No handshake, just namaste. थोड़ा सा ऊपर करो। ओह, सो गुड। पवन, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम ये? अजीब। आप क्या? हमने क्या? हमने तुमसे कहा कि जाकर कैरल जी को बोलो कि मसाज करने वाली लड़की थोड़ी लेट हो गई है। और तुम यहाँ धोखे से खुद ही हैं? भैया जी आप चुप! फ्रेश करते हो? कैरल जी अब हम इसकी तरफ से माफी चाहते हैं। कैरल जी अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो ये तो निकल जाओ यहां से। जाओ। मगर इसने ऐसे पहले कभी नहीं किया। अरे यही आप समझिए कैरल जी, यही इसकी चाल है आपके करीब आने की, आपको सेफ फील करवा के आपका फायदा उठाने की, समझ रही हैं आप? इसलिए तो आपको ये कल फार्म हाउस नहीं लाया।
समझ गई ना? नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। Typical, so typical. तुम तो बाकी मर्दों से भी ज्यादा बुरे हो। वो तो सामने दिखते हैं कि क्या सोचते हैं, और तुम so stupid. I trusted you. जाती है गलती समझने में इंसान को। वाह बेटा, जाते जाते सेट कर गया उस फिरंगन को अर्जुन भैया जी के लिए। अरे ये तो श्री गोरखपुर 2015 जीतने जा रहा है। चलो बात छोड़, आता हूं इसे। क्यों मुन्ना, चल चल, आज के बाद नहीं यहां पर, नहीं तो तेरी खैर नहीं। चल यहां से। Cheers. Come on, Carol जी। Move on. अरे क्या हो गया, थोड़ा प्यार हमसे कर लीजिए। What are you doing? अरे प्यार कर रहे हैं आपसे थोड़ा। भैया जी, मैडम जी को छोड़ दीजिए। वाह क्या एंट्री मारी है, हा? तो ये है तेरी असलियत, दुनिया के सामने ब्रह्मचारी बना फिरता है और आ गया यहाँ फिरंगन के पीछे पीछे। भैया जी, हम यहाँ फिरंगन के लिए नहीं, एक औरत के लिए आए हैं। अच्छा, रोक के दिखा हमें, दिखा रोक के, दिखा रोक के, दिखा हमें रोक के। मैं रोकेगा? भैया जी, हम आपसे विनती करते हैं, मैडम जी को छोड़ दीजिए। वरना क्या करेगा, क्या करेगा, रोक के दिखाना हमें। भैया जी आखिरी बार कह रहे हैं हमसे, आप मैडम जी को छोड़ दीजिए बस। आखिरी बार एहसान फरामोश। मैडम जी टैक्सी आती होगी, आप इंडिया कभी वापस मत आना। यहाँ के सारे मर्द एक जैसे नहीं है। इन सब मर्दों में एक है जो बहुत अच्छा है, जिसके जैसे कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। नहीं मैडम जी, वो आपकी मेहनत की कमाई है, उस पर हमारा कोई हक नहीं। लेकिन आपने हमें उससे भी बढ़कर कुछ सिखाया है, आत्मनिर्भरता। मैडम जी आपने हमें एहसास दिलाया कि हम किसी से कम नहीं। तो अब हम पैसा भी खुद ही कमाएंगे और श्री गोरखपुर तो हम जीत कर ही दम लेंगे, आप देखना। मगर पैसा नहीं तो फिर कुछ और? कुछ और मैडम जी, हम समझे नहीं। अरे लाओ दो ना। 10 दिन हो गए, अभी तक दर्द खत्म नहीं हुआ। शायद पवन भैया का हाथ बहुत भारी है। ए, मर्द को दर्द नहीं होता, समझी? जिस मर्द को दर्द नहीं होता
वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता। ये पढ़िए। ये पवन और केरल का एड? अरे तुम कहाँ चली? स्कूल पिकनिक, शाम तक आ जाऊंगी। तुम्हें कहा था ना हमने कोई पिकनिक विकनिक नहीं जाओगी, तुम कहा था ना? कैरल ने मुझे और पवन भैया को एक चीज सिखाई है, आत्मनिर्भरता। अगर किसी इंसान का कल्चर हमसे अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं है या फिर गलत है। ये दुनिया रंगीन है बॉस, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। सो नो मैटर व्हाट, वी शुडंट बी जजमेंटल अबाउट अदर्स। देखा ना आपने स्टोरी में क्या हुआ, कैसे उसी कैरल ने पवन को जीना सिखाया जिसको वो गलत मानता था। गलत कुछ नहीं, सिर्फ सोच होती है। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू बिहेव। तो अपनी सोच को साफ रखो, पॉजिटिव रखो, तो ना फिर भगवान बुरा मानेंगे ना फिर कोई भी कल्चर, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो सुनो अपने दिल की, करो अपने मन की और जी लो अपनी जिंदगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं जाते जाते क्या बोलने वाला हूं, कि मेरा नाम नाम है कौतिक। MTV Big F with Gautam Gulati.